हेलो फ्रेंड्स, आई एम बबली सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बबलीज गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, बहुत दिन के बाद आज से गार्डनिंग का काम जो है स्टार्ट किया है प्रॉपर, क्योंकि बस फेस्टिवल्स की वजह से प्रॉपर जो है गार्डनिंग का काम नहीं हो पाता है। और मेरे बहुत सारे प्लांट्स जो हैं रूट प्रूनिंग और प्रूनिंग के लिए जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर जो है काम स्टार्ट किया है। और सबसे पहले ये देखिए, मेरा आज जो है ये मेरा हिबिस्कस, जिस पे ये पीच कलर के फूल आते हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। हर साल इस वाले हिबिस्कस की जो है रूट प्रूनिंग जो है करनी पड़ती है, और प्रूनिंग भी। तो ये देखिए, अभी नीचे डाला हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ये लंबा हो गया है। और ये इसके फ्लावर्स हैं, तो फूल तो खिले हुए हैं, लेकिन फूल इस वाले प्लांट पर पूरे साल जो है खिलते हैं। और लेकिन एक टाइम पर हमें जो है कभी ना कभी इसकी जो है रूट प्रूनिंग और प्रूनिंग करनी ही पड़ती है। तो लास्ट ईयर भी मैंने इसी टाइम पर जो है इस प्लांट की रूट प्रूनिंग और प्रूनिंग दोनों की थी, मैंने आपसे शेयर किया था। और अभी एक साल पूरा हुआ भी नहीं है इस प्लांट को, मैं आपको अभी सीधा करके भी दिखाऊंगी कि ये कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो आज प्रोफेसर जी इसकी जो है रूट प्रूनिंग और प्रूनिंग दोनों ही कर रहे हैं। और ये देखिए, इसको अभी ग्रो बैग से निकाल दिया है, इसकी जो एक्स्ट्रा रूट्स थी सारी वो कट कर दी हैं। ये देखिए किस तरह से इसकी जो रूट्स हैं वो हो गई थी बहुत सारी। और इसका स्टैम्प आप देख सकते हैं कितना मोटा है। तो ये लगभग मुझे लग रहा है 4 साल का होने वाला है। और जो इसके मदर प्लांट हैं वो तो 5 साल से भी ऊपर, मतलब उन्हें करीब 5.5 साल हो गए हैं। तो ये उन्हीं की कटिंग से बनाया हुआ प्लांट था, जो कि इतना ज़्यादा जो है बड़ा हो गया है। तो मैंने ये बड़े बड़े ग्रो बैग में लगाए हुए हैं, और मैं आपको इसका अभी ग्रो बैग भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस वाले ग्रो बैग में लगा हुआ था, और काफ़ी बड़ा है ये ग्रो बैग भी। लेकिन अपने प्लांट्स की सही समय पर प्रूनिंग और रूट प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि अगर हम ऐसा ना करें तो ऐसा नहीं है कि वो फ्लावरिंग नहीं देंगे, करेंगे, लेकिन वही है कि फ़र्क पड़ जाता है, फूलों का साइज़ छोटा हो जाता है और फूल थोड़े जो है कम खिलने लगते हैं। तो सही समय पर आप भी जो है अपने प्लांट्स की, जो भी आपके बड़े बड़े जो प्लांट हैं, उनकी रूट प्रूनिंग और प्रूनिंग जो है करते रहें। तो मेरे ये जो सामने आप देख रहे हैं लगे हुए ये जो प्लांट हैं, अभी तो फ़िलहाल मैं यही दिखा रही हूँ, इन सब की मुझे अभी रूट प्रूनिंग और प्रूनिंग, मतलब कि प्रूनिंग भी करनी है और रूट प्रूनिंग भी करनी है। तो ये बहुत ज़्यादा लैगी हो गए हैं, जबकि हर साल मैं इनकी रूट प्रूनिंग और प्रूनिंग करती हूँ। तो ये देखिए, उसकी जो एक्स्ट्रा ये रूट्स थी, ये देखिए सारी इस तरह से जो है प्रोफेसर जी ने निकाल, पहले इसको कट करके और उसको छान दिया, तो ये उसी में से निकला हुआ सारा कचरा है। और ये इसकी जो सॉइल है वो प्रोफेसर जी ने जो है इसको छान लिया है। तो हम हर साल जो है जब कोई भी प्लांट की रूट प्रूनिंग करते हैं और उसकी रूट्स को जब निकालते हैं तो उसको छान लेते हैं, क्योंकि इससे क्या है, हमारी जो सॉइल होती है ना वो रीयूज़ हो जाती है। और इसमें आप देखिए, ये जो भी इसमें मिलाना है, जैसे कि ये बोन मील मिला दिया है और बहुत सारी चीज़ें जो है अभी इसमें मिलाएंगे, तो बस इसके बाद ये जो सॉइल है वो बिल्कुल वेलड्रेन बन जाएगा, क्योंकि बार बार सॉइल अलग से जो है मिल भी नहीं पाती। तो इसी जो सॉइल होती है रूट्स को अलग कर करके इसको छान लेते हैं इससे छन्नी से, और इससे जो है सॉइल बिल्कुल अच्छा बन जाता है। आप देख ही सकते हैं कि छानने के बाद ये सॉइल कितना अच्छा बन गया है। और इस तरह से जो है इसमें ये प्रोफेसर जी जो है मिला रहे हैं। तो ये देखिए, प्रोफेसर जी ने इसमें थोड़ी सी जो है नीम खली मिलाई है, बोन मील मिलाया है, सीविड एक्सट्रैक्ट मिलाया है। तो इस तरह से इसको बिल्कुल वेलड्रेन बनाएंगे, और अभी जो है इसमें बर्मी कंपोस्ट जो है मिलाएंगे। और ये देखिए, कुछ अर्थवॉर्म्स भी जो है मुझे इसमें नज़र आ रहे हैं, ये देखिए कितने सारे अर्थवॉर्म्स हैं। तो वर्मी कंपोस्ट फिर भी जो है मिलाना पड़ता है, हालांकि इसमें ऑलरेडी जो है बहुत सारे अर्थवॉर्म थे। तो बस मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं और आपसे ये ज़रूर बताऊं कि आप भी अपने जो भी आपके बिग प्लांट है, जो काफ़ी साल के हैं, करीब 4-4, 5-5 साल के हैं, तो उनको हर साल आप जो है उनकी रूट प्रूनिंग ज़रूर करें और प्रूनिंग भी करें। इससे इसके बाद आप अपने प्लांट्स के जो फ्लावरिंग है और उसकी जो ग्रोथ है उसको देखना, वो कितनी ज़्यादा, मतलब उसमें चेंजेस होते हैं। क्योंकि हम हर कोई एक दो प्लांट रह जाता होगा जो हर साल नहीं करते, लगभग जो भी मेरे हिबिस्कस और ये कनेर जो बड़े बड़े प्लांट हैं ना, ये आप देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, ये करीब 5 साल से ऊपर हो गए हैं इन सभी मेरे प्लांट्स को। तो हर साल ही हम जो है इनकी रूट प्रूनिंग करते हैं और प्रूनिंग भी करते हैं। खाली प्रूनिंग से तो काम ही नहीं चलता, क्योंकि रूट प्रूनिंग करनी ही पड़ती है। और उसके बाद ये सॉइल में जो है प्रोफेसर जी ने DAP और ये पोटास डाला है,
तो इस तरह से ये सॉइल जो है बिल्कुल वेल ड्रेन्ड हो जाएगी। जब भी आप किसी प्लांट की रूट प्रूनिंग और रूट प्रूनिंग करते हैं ना, तो उसको बहुत अच्छा सॉइल जो है हमें देना होता है, एकदम वेल ड्रेन्ड। तो आप जब भी उसको रूट प्रूनिंग करें तो अच्छी उसकी एकदम से सॉइल बनाएं जो बिल्कुल वेल ड्रेन्ड हो, और इस तरह से जो है आप उसमें ये सब मिला करके उस सॉइल को बिल्कुल वेल ड्रेन्ड बना सकते हैं। और ये लास्ट में जो है वर्मी कंपोस्ट मिला दिया है, और इस तरह से ये जो सॉइल है बिल्कुल वेल ड्रेन बन गई है, जो कि इस प्लांट के लिए बिल्कुल एकदम सही बनी है। तो इस तरह से जब आप कोई भी प्लांट लगाएंगे तो इस तरह से ही सॉइल आपको भी बनाना चाहिए। और ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसको ना अभी खड़ा किया है, इतना ज़्यादा लंबा हो गया है कि अब ये बिना सपोर्ट के जो है खड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि इसकी जो एक्स्ट्रा रूट्स थी वो सारी जो है कट कर दी हैं। तो मैंने आपको ये इसलिए दिखाया ताकि आप देखें कि ये कितना ज़्यादा लंबा हो गया है, ये देखिए कितना ज़्यादा ये बड़ा हो गया है। और ये देखिए फूल, अगर मैं इसकी दिखाऊं आपको तो देखिए कितने ज़्यादा फूल इस पर खिले हुए हैं। और इस प्लांट की खास बात इस हिबिस्कस की यही है कि ये हर पूरे टाइम जो है इस पर ना ऐसे ही फूल खिलते हैं, और अब पूरा विंटर ये जो है ऐसी ही फ्लावरिंग करेगा। और इसके मैंने बहुत सारे प्लांट बनाए हैं, लगभग 10 प्लांट इसके मैंने रेडी किए हुए हैं, क्योंकि ये जो प्लांट है ये हर पूरे साल ऐसे ही फ्लावरिंग करता है। अब ये देखिए इसकी जो है ये सारी जो है इस तरह से अभी ये इसको जो है लगा देंगे, क्योंकि इसके एक्स्ट्रा रूट को तो निकाल दिया है, और बस इसका सॉइल जो बनाया था अब इसको जो है इसी में भर देंगे। तो बहुत ज़्यादा काम इतना टफ़ नहीं होता और जल्दी भी हो जाता है, बस आपको अपने प्लांट को निकाल करके उसकी एक्स्ट्रा रूट जो होती है साइड से उसको निकाल दें अच्छे से किसी ब्लेडर से जो भी होता है, और उसके बाद जो है बस वही सॉइल आप ले सकते हैं। सॉइल आप दूसरी भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास सॉइल की थोड़ी कमी होती है, तो हम उसी सॉइल को इस तरह से देखिए उसकी रूट्स को निकाल के छान लेते हैं, और उसके बाद उसी में जो है जो भी मिलाना होता है, जो मैंने आपको बताया, इस तरह से सॉइल में मिला करके वेल ड्रेन्ड सॉइल बना करके उसको रीयूज़ कर लेते हैं। बस इसको इस तरह से जो है ये लगा देंगे, और उसके बाद अब इसकी ऊपर जो है प्रूनिंग करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये प्लांट जो है रूट प्रूनिंग के बाद लगा दिया है। रूट प्रूनिंग करने का एक और भी फ़ायदा होता है फ्रेंड, जैसे कि मैं तो जैसे रेंट पर रहती हूँ, तो अगर आपके बहुत सारे प्लांट ऐसे बड़े हो जाते हैं तो अगर आप रूट प्रूनिंग कर देंगे तो आप उसको उसी ग्रो बैग में जो है फिर से लगा सकते हैं, क्योंकि उसकी रूट तो हम काट ही देते हैं एक्स्ट्रा जो भी होती हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका प्लांट जो है उसकी रूट जो है इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि आपको फिर उसका ग्रो बैग या जो भी पॉट जिसमें आपने लगाया उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें वो जो है अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो रूट प्रूनिंग करने का एक ये भी फ़ायदा होता है। अब जैसे इसकी सारी रूट को कट कर दिया था एक्स्ट्रा जो भी थी, और फिर से जो है हमने इसको इसी ग्रो बैग में लगाया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बड़े और बहुत ज़्यादा ग्रो बैग या पॉट जो है नहीं लगा सकती, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं रेंट पर रहती हूँ और इसलिए मुझे हर साल ये जो है करने ही होते हैं। लेकिन रूट प्रूनिंग और प्रूनिंग करने से आपके प्लांट जो है खुश रहते हैं, उनमें फ्लावर्स जो है वो बहुत बड़े बड़े साइज़ के आते हैं बाद में, और प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये काम आपको भी हमेशा टाइम पर जो है करते रहना चाहिए, और किस तरह करना है ये आपको मैंने बता ही दिया है। जिस दिन आपको अपने प्लांट की रूट प्रूनिंग करनी है आप अपने प्लांट में उस दिन पानी मत देना, और उसके बाद अच्छे से जो है हल्के हाथों से इसको पत्थर या किसी हथौड़े से मार मार के ग्रो बैग से पूरा एज इट ऐसी निकाल करके, और उसकी जो है जो भी एक्स्ट्रा रूट्स होती हैं आप कोई ब्लेड या चाकू की हेल्प से उसको साइड से पूरी कट कर दें, बस थोड़ी ही जो है उसमें रूट रहने दें, और बस उसके बाद सॉइल को वेल ड्रेन बना के उसके बाद आप एज इट उसको जो है रिपोर्ट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है इससे प्लांट पर फ़र्क पड़ता है, उसकी ग्रोथ पर, उसकी फ्लावरिंग पर। तो फ्रेंड्स, ये देखिए फाइनली मेरे पीच वाले हिबिस्कस की जो है रूट प्रूनिंग कर दी है, और अभी करीब 2 या 3 दिन के बाद मैं इसकी ब्रांच प्रूनिंग करूँगी, क्योंकि अभी प्रोफेसर जी कह रहे हैं कि अभी इसको थोड़ा सा स्टेबल ठीक से हो जाएगा। तो अभी 2-3 दिन के बाद इसकी सारी जो ये ब्रांचेज हैं हम सारी काट देंगे। तो बस ये वीडियो इतना ही, और आप भी अपने बड़े बड़े जो भी प्लांट्स हैं उनके टाइम पर रूट प्रूनिंग और ब्रांच प्रूनिंग करते रहें, ताकि आपके प्लांट को अच्छी ग्रोथ और अच्छे बिग साइज़ के फ्लावर जो है मिलते रहें। तो वीडियो बस यहीं तक, और वीडियो अगर अच्छा लगा और जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।